हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन, जो कि लिखा है जेम्स करकप ने, आज हम लोग इस पोयम को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना समय गवाए सबसे पहले जो है लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है जेम्स करकप के बारे में दिया गया है। लेट्स रीड। इसमें लिखा है कि जेम्स करकप वॉज एन इंग्लिश पोएट। जेम्स करकप एक इंग्लिश पोएट थे, ट्रांसलेटर थे, ऑथर थे एंड ट्रेवल राइटर थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1918 इन इंग्लैंड। कि वह इंग्लैंड में 23 अप्रैल 1918 को पैदा हुए थे। ही स्टडीड एट वेस्टोर सेकेंडरी स्कूल एंड देन एट किंग्स कॉलेज दरहम यूनिवर्सिटी। ही स्टडीड एट वेस्टो सेकेंडरी स्कूल। कि वह जो है वेस्टो सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया एंड देन और तब जो है उसके बाद एट किंग्स कॉलेज दरहम यूनिवर्सिटी और तब जो है दरहम यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज में उन्होंने स्टडी किया। ही वर्कड एज ए टीचर टू। उन्होंने एक अध्यापक के रूप में भी कार्य किया है। जेम्स रोट इन बल्क। जेम्स जो है करे कि वह विस्तार से लिखते थे, बल्क मतलब विस्तारित रूप से। जेम्स जो है विस्तार से लिखते थे। यहां पर ये गलत प्रिंट हो गया, यहां पर ही होना चाहिए, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, यहां पर ही होना चाहिए। ही रोट ओवर 30 बुक्स। उन्होंने 30 पुस्तकों से ज्यादा किताबें लिखी। ही बिकेम ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर 1962। कह रहा है कि वह जो है 1962 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के फेलो हो गए, अर्थात एक मेंबर बन गए या एक सदस्य बन गए। जेम्स करकप डाइड ऑन 10 मई 2009। जेम्स करकप की मृत्यु जो है 10 मई 2009 को हुई। अब ये तो हो गया अबाउट द पोएट के बारे में, हमने कुछ जाना। अब हम पोएम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी अबाउट द पोएम भी पढ़ लेते हैं, ताकि कुछ आइडिया हो जाए हमको पोएम को पढ़ने से पहले। तो यहां पर है अबाउट द पोएम। द पोएट थ्रू दिस पोएम, कह रहा है पोएट जो है थ्रू दिस पोएम इस कविता के माध्यम से वांट्स टू टेल हिज रीडर, अपने पाठकों से कहना चाहता है, रीडर मीन्स पाठक, दैट कहना चाहता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ, ह्यूमन बींग मीन्स मनुष्य, कि ऑल ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर सभी मनुष्य आप आवर ब्रदर्स, हमारे भाई हैं। ऑल है बॉडीज लाइक अदर्स, कह रहे हैं कि ऑल सभी के पास जो है बॉडीज लाइक अदर्स, एक दूसरे की भांति शरीर है। दे शेयर द सन द एयर एंड द वाटर, कह रहे हैं कि वे सन को मतलब धूप को, एयर हवा को और पानी को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, मतलब हवा धूप या पानी भी उनके ऊपर वैसा ही प्रभाव डालता है जो एक दूसरे के ऊपर डालता है। वी लिव ऑन द सेम अर्थ, या उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सभी लोग जो है धूप हवा और पानी का एक जैसा ही उपभोग करते हैं। कह रहा है कि वी लिव ऑन द सेम अर्थ, हम एक ही पृथ्वी पर रहते हैं, एंड लाइक बरीड इन द सेम सॉयल, और हमें जो है एक ही मिट्टी में दफना दिया जाएगा, बरीड मीन्स दफनाया जाना, और सेम सॉयल का मतलब एक जैसी मिट्टी। कह रहा है कि वी लिव ऑन द सेम अर्थ, हम एक जैसी पृथ्वी पर रहते हैं, एंड लाइक बरीड हमको दफना दिया जाएगा इन द सेम सॉयल, एक ही मिट्टी में। बाई हेटिंग अदर्स एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, कह रहा है कि बाई हेटिंग अदर्स, एक दूसरे से घृणा करके, हेट मीन्स होता है घृणा करना, एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से लड़ाई करके, वी डिफाइल अवर अर्थ, डिफाइल मीन्स होता है प्रदूषित करना, डिफाइल मीन्स प्रदूषित करना। कह रहा है कि हम एक दूसरे से घिरा करके और एक दूसरे से लड़ करके, कह रहा है कि भी डिफाइल और अर्थ, हम अपनी पृथ्वी को प्रदूषित करते हैं। वी शुड नो, हमें जानना चाहिए कि नो मैन आर कंट्रीज आर फॉरेन, कि कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति जो है वह अजनबी नहीं है, वह विदेशी नहीं है। अब आइए हम लोग पोएम के टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। देखिए, यह जो है पोएम का टेक्स्ट आपके सामने है, आइए इसको स्टडी करते हैं। कह रहा है कि रिमेंबर नो मैन आर स्टेंस, नो कंट्रीज फॉरेन, Beneath all uniforms, a single boy breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. इसमें कह रहा है कि रिमेम्बर, याद रखिए कि नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। क्या कह रहा है, रिमेम्बर, याद रखिए कि नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश विदेशी नहीं है, मतलब वो भी कोई भी देश अजनबी नहीं है, या कोई भी देश फॉरेन मतलब पराया नहीं है। इसमें कह रहा है कि याद रखिए कि कोई आदमी अजनबी नहीं है, और कोई भी देश पराया नहीं है, या कोई भी देश विदेश नहीं है। ध्यान सुनिएगा फिर से,
रहा कि रिमेम्बर याद रखिए, नो मेन आर स्ट्रेंज की कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, नो कंट्रीज फॉरेन और कोई भी देश विदेश नहीं है, था कोई भी देश पराया नहीं है, कोई भी देश अजनबी नहीं है। बिनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, कह रहा कि बिनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बिनीथ में होता है नीचे और यहां पर यूनिफॉर्म्स में तो वस्त्र, कह रहा कि सभी वस्त्रों के नीचे अ सिंगल बॉडी, एक जैसा शरीर ब्रीथ्स, सांस ले रहा है। कह रहा है कि सभी वस्तुओं के नीचे एक जैसा शरीर ही सांस ले रहा है, लाइक आवर्स, हमारी तरह, सभी वस्तुओं के नीचे हमारी तरह जो है एक जैसा शरीर ही सांस ले रहा है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल सेल डाई, सॉरी वी सेल लाई। कह रहा है कि द लैंड, वह जमीन, आवर ब्रदर्स वॉक, जिस पर हमारे भाई चलते हैं। कह रहा है कि द लैंड, वह जमीन, आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस पर हमारे भाई चलते हैं, इस अर्थ लाइक दिस, इस पृथ्वी की तरह ही है, मतलब हमारी इस जमीन की तरह ही है, हमारी इस पृथ्वी की तरह ही है जो हमारे भाई चलते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हो। इन विच, जिसमें वी ऑल सेल लाई, जिसमें हम सभी एक दिन सो जाएंगे, अर्थात हमको क्या, हम सभी एक दिन मर जाएंगे, चूंकि लाई का मतलब लेटना होता है, मतलब जिस पर हम सभी एक दिन लेट जाएंगे, अर्थात हम सभी मर जाएंगे। एक बार पूरा मिला के कह रहा हूं जो चारों लाइनों का, देखिए इसमें इस तरह है कि याद रखिए, कोई आदमी अजनबी नहीं है और कोई भी देश पराया नहीं है, सभी वस्तुओं के नीचे एक अकेला शरीर सांस लेता है जो हमारे शरीर की तरह है, वह जमीन जिस पर हमारे भाई चलते हैं हमारी धरती की तरह ही है, जिस पर हम सभी एक दिन मर जाएंगे। अब भाई सेकेंड स्टेंजा, इसमें कि दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉस लॉन्ग विंटर स्टॉप्ड their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own। कह रहा कि they too, कह रहा कि वे भी अवेयर, अवगत होते हैं, या वे भी सचेत होते हैं आप सन, धूप के प्रति, एंड एयर, हवा के प्रति, एंड वाटर, और पानी के प्रति, अर्थात वे भी धूप, हवा और पानी के प्रति सचेत होते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, कह रहा कि आर फेड, उनका पालन पोषण होता है By peaceful harvest, कह रहे हैं शांतिपूर्ण फसलों से, मतलब शांतिपूर्ण फसलों से वे अपना पालन पोषण करते हैं या उनका पालन पोषण होता है। By was long winter, ध्यान सुनिएगा, वार माने वार में युद्ध होता है। कह रहे By was long winter, कह रहे कि युद्ध की लंबी शीत ऋतु, या ऐसे कह सकते कि युद्ध की, By was long winter, युद्ध की लंबी सर्दी से स्टॉप्ड, भूखे रहते हैं। बाय वास लॉन्ग विंटर स्टॉप, कह रहा है युद्ध की लंबी सर्दी से भूखे रहते हैं। अब यहां पर युद्ध की लंबी सर्दी का क्या मतलब है, यहां पर बाय वार्स लॉन्ग विंटर क्या मतलब है? इसका मतलब कि लगातार लड़ाई झगड़े से, ठीक है, या होने वाली लगातार युद्ध से, कह रहे स्टॉप, भूखे रहते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, कह रहे उनके हाथ जो है आर आवर्स, हमारे हाथों जैसे होते हैं। देयर हैंड्स, कह रहे उनके हाथ आर आवर्स, हमारे हाथों जैसे होते हैं। एंड इन देयर लाइन्स, और उन लाइन्स में लकीरे, और कह रहा है कि एंड इन देयर लाइन्स, और उनके हाथ के रेखाओ में भी रीड लेबर, हम मेहनत को पढ़ते हैं, या ऐसे कह सकते हैं उनके हाथों में हम मेहनत की रेखा को पढ़ते हैं। नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जो हमारी अपनी मेहनत की रेखा से अलग नहीं है, अर्थात कहना यह चाह रहा है कि वह भी मेहनत के द्वारा ही जीते हैं, अपनी रोजी रोटी मेहनत के द्वारा ही कमाते हैं, और हम भी जो है अपनी रोजी रोटी मेहनत के द्वारा ही कमाते हैं। चारों लाइनों को मैं पूरा एक बार फिर से मिला के बता दे रहा हूं सभी एक साथ। देखिए इसमें कह रहा है कि वे भी धूप, हवा और पानी के प्रति सचेत होते हैं, उनका पालन पोषण शांतिपूर्ण फसलों से होता है, वे युद्ध की लंबी सर्दी में अर्थात लड़ाई झगड़े कारण भूखे रहते हैं, उनके हाथ हमारे हाथों जैसे हैं, और उनके हाथ की रेखाओं में हम एक ऐसी मेहनत की रेखा पढ़ते हैं, या एक ऐसी मेहनत की रेखा देखते हैं जो हमारी अपनी मेहनत की रेखा से अलग नहीं होती। अब ये थर्ड स्टेंजा पढ़ते हैं। कह रहे कि रिमेम्बर दे हैव आईज लाइक ओवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी ओन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। किसमें कह रहा है कि रिमेम्बर, याद रखिए, दे हैव आईज लाइक ओवर्स, उनके पास हमारी जैसी आंखें हैं। कह रहा है रिमेम्बर, याद रखिए, दे हैव आईज, उनके पास आंखें हैं लाइक ओवर्स, हमारे जैसी। दैट कह रहे जो वेक और स्लीप, जो जागती है या सोती है, मतलब जैसे हम जागती, उनकी आंखें भी हमारे जैसी आंखें हैं, जैसे हमारी आंखें जागती या सोती है, तो उनकी आंखें भी जागती और सोती हैं।
एंड स्ट्रेंथ, और उनके पास शक्ति है दैट कैन बी ओन, जिसे जीता जा सकता है बाय लव, प्रेम के द्वारा। यहां विन का थर्ड फॉर्म है विन का ओन, तो कराया कि एंड स्ट्रेंथ उनके पास शक्ति है दैट कैन बी ओन, जिसे जीता जा सकता है बाय लव, प्रेम के द्वारा। इन एवरी लैंड, कराया कि इन एवरी लैंड, हर जगह हर जमीन पर, मतलब हर जगह इस कॉमन लाइफ, एक सामान्य जीवन है। कराया कि इन एवरी लैंड, हर जगह इस कॉमन लाइफ, एक सामान्य जीवन है दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, करेक्ट, दैट जिसे ऑल, सभी लोग कैन रिकॉग्नाइज, पहचान सकते हैं एंड अंडरस्टैंड, और समझ सकते हैं। रिकॉग्नाइज में पहचानना और अंडरस्टैंड में समझना। फिर से बता दूं, करा कि इन एवरी लैंड, प्रत्येक जगह इस कॉमन लाइफ, एक सामान्य जीवन है दैट ऑल, जिससे सभी लोग कैन रिकॉग्नाइज, पहचान सकते हैं एंड अंडरस्टैंड, और समझ सकते हैं। करा कि लेट्स रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए कि व्हेनेवर, कि जब भी वी आर टोल्ड, हमसे कहा जाता है, ठीक है, यहां पर देखिए पैसिव वाइज है, आर लगा क्रिया के थर्ड फॉर्म। कहता कि व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब हमसे कहा जाता है टू हेट, घृणा करने के लिए और ब्रदर्स, अपने भाइयों से। कहता कि याद रखिए कि जब भी हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, इट इज आवर सेल्फ, तो कराए यह हम स्वयं होते हैं, दैट वी सेल्फ डिस्पोजेस, राइट, तो कराए इट इज आवर सेल्फ, इसका कहने मतलब कि हम स्वयं जो है, हम खुद जो है स्वयं से, दैट वी सेल्फ डिस्पोजेस, हम खुद को पराया मानते हैं, बिट्रे, धोखा देते हैं, कंडेम और घृणा करते हैं। तो किसमें कराया कि जब भी हमें अपने भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाता है, तो याद रखिए कि ये हमारे अपने ही होंगे, जिन्हें हम पराया मानेंगे, धोखा देंगे या निंदा करेंगे। वह मैं फिर बता रहा हूं, लेट्स रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए कि व्हेनेवर, जब भी वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, जब भी जो है हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, तो इट इज आवर सेल्फ, तो यह हम स्वयं होते हैं, मतलब तो हम जो है स्वयं, तो यह हमारे अपने ही होंगे, ऐसा कर, तो यह हमारे अपने ही होंगे, दैट वी सेल्फ डिस्पोजेस, जिसे हम पराया मानेंगे, डिस्पोजेस में मतलब अलग करना, त्याग देना या पराया मानना, जिसे हम त्याग देंगे या जिसे हम पराया मानेंगे, बिट्रे, जिसे हम धोखा देंगे, कांडे, और जिसे हम घृणा करेंगे, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे इस तरह भी कह सकते हैं कि हम याद रखें कि जब कभी भी अपने बंधुओं से घृणा करने को कहा जाता है, तो वह हम स्वयं ही होते हैं, जिसे हम स्वयं से वंचित करेंगे, धोखा देंगे और निंदा करेंगे। रिमेंबर, कराया कि याद रखिए, वी, हम, हु टेक आर्म्स, आर्म्स होता है अस्त्र शस्त्र, कराया कि वी, हम, हु टेक आर्म्स, जो शस्त्र उठाते हैं अगेंस्ट इच अदर, एक दूसरे के प्रति, कराया कि इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, तो कराया कि इट इज द ह्यूमन अर्थ, तो हम इस मानव भूमि को दैट वी डिफाइल, हम क्या करते हैं, डिफाइल करते हैं, अर्थात प्रदूषित करते हैं। इसमें कराया है कि याद रखिए कि हम, अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, तो हम अपनी पृथ्वी को दूषित कर देंगे। फिर से बता दूं, यहां देखिए, यहां से है, रिमेंबर, याद रखिए कि वी, हम लोग, हु टेक आर्म्स, आर्म्स मीन्स होता है शस्त्र, जो शस्त्र उठाते हैं अगेंस्ट इच अदर, एक दूसरे के विरुद्ध, इट इज द ह्यूमन अर्थ, तो इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल में, प्रदूषित करना, तो हम इस मानव भूमि को प्रदूषित कर देते हैं, या हम इस मानव भूमि को प्रदूषित कर देंगे। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, हेल में से होता है नर्क, फायर में आग, डस्ट में धूल, कहना कि हमारा जो है आग और धूल का नर्क, आउटरेज का शाब्दिक अर्थ होता है हिंसा करना, दी इनोसेंस का मतलब निर्दोषिता होती है, भोला भाला होता है, पवित्रता होती है, पवित्रता भी कह सकते हैं, ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। देखो मैं एक बार फीस बताता हूं, यहां से देखिए मैं फीस बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, कहना कि रिमेंबर, याद रखिए, वी, हम लोग, हु टेक आर्म्स, जो शस्त्र उठाते हैं अगेंस्ट इच अदर, एक दूसरे के प्रति, इट इज द ह्यूमन अर्थ, तो हम इस मानव भूमि को दैट वी डिफाइल, हम प्रदूषित करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, कहना कि हमारा आग और धूल का नर, आउटरेज, हिंसा करता है द इनोसेंस ऑफ द एयर, हवा की मासूमियत से, हमारा जो है धूल और आग का नर्क जो है मासूमियत, हवा की मासूमियत के साथ हिंसा करता है, दैट इज, अब यहां पर इसका मतलब इस तरह भी लगा सकते हैं, आउटरेज द इनोसेंस ऑफ द एयर,
मतलब इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हवा की पवित्रता को भंग करता है, ध्यान सुनिएगा। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, आग और धूल धूल का नर्क जो है आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, हवा की पवित्र कि हवा की पवित्रता को क्या करता है, हवा की पवित्रता को भंग करता है, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हवा की मासूमियत के साथ हिंसा करता है, ठीक है, क्योंकि आउटरेज का शब्द का हिंसा ही हिंसा करना होता है। अब आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, कह रहा है कि जो हर जगह है आवर ओन और अपनी है, जो हर जगह और अपनी है। रिमेंबर याद रखिए, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अजनबी नहीं, मतलब रिमेंबर याद रखिए नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति जो है विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अजनबी नहीं है। देखिए पूरा इस तरह कहेंगे आप कि अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम अपनी पृथ्वी को दूषित कर देंगे, हमारे आग व धूल के नरक उस हवा की मासूमियत के साथ हिंसापूर्वक व्यवहार करते हैं जो हर जगह हमारी अपनी है। याद रखिए कोई भी आदमी विदेशी नहीं है और न ही कोई देश अजनबी है। थोड़ा सा ये लाइन आपको दिक्कत होगी, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। कह रहा है कि आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, कह रहा है कि हमारे आग और धूल के नरक जो है आउटरेज, देखिए आउट मीन्स हिंसा करना, हिंसा करते हैं द इनोसेंस ऑफ एयर, हवा की मासूमियत के साथ, इनोसेंस मीन्स मासूमियत, या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे आग और धूल के नरक जो है हमारी हवा की पवित्रता को भंग करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दैट इज एवरीवेयर, जो हर जगह है, मतलब हवा जो हर जगह है आवर ओन, और जो और यह हवा अपनी है। रिमेंबर याद रखिए नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्रीज स्टेंड, और कोई भी देश अजनबी नहीं है। तो स्टेंड ये रहा, पूरा पोयम कंप्लीट हुआ, और मैंने जहां पर जो कठिन रहा है उसको दो बार तीन बार मैंने रिपीट करके आपको समझाने की कोशिश की है, और आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।